सॉफ्ट ड्रिंक्स में पेप्सी और कोक के नाम सबसे पहले याद आते हैं। उसी तरह जापानीज का मैन्युफैक्चरर्स में होंडा का ब्रांड रिकॉल काफी स्ट्रॉन्ग है। होंडा ने सिटी इंट्रोड्यूस की थी जो अभी भी वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है इन द प्रीमियम सेडान सेगमेंट। पर क्या होंडा जैज वही कर पाएगी इन द प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट? लेट अस फाइंड आउट। जैज जो है नई होंडा सिटी के प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है और इसका लेंथ पुरानी जैज से 55 mm ज्यादा है। फ्रंट की बात की जाए तो ये नई सिटी को काफी रिजेंबल करता है। फ्रंट ग्रिल जो है सिटी की तरह है मगर इसमें क्रोम नहीं है। होंडा इसे ज्यादा जैजी बनाना चाहती है, इसीलिए इसका लॉन्च कलर है सनसेट ऑरेंज। साइड प्रोफाइल और रियर काफी हद तक पुराने जैज को रिजेंबल करता है। होंडा ने जैज का डिजाइन डीएनए नई जनरेशन में भी मेंटेन किया है। होंडा जैज जो है दो इंजन ऑप्शंस में आएगी। पहली है 1.2 लीटर पेट्रोल और इसका डिमांड ज्यादा रहेगा। अब ये इंजन 88 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है और 110 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क है। अगर हम नंबर्स को अलग रखें तो इसका सिटी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। आपको ज्यादा गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और टॉर्क भी सफिशिएंट है। जैज पेट्रोल दो ट्रांसमिशंस के साथ अवेलेबल है। पहला है 5-speed मैनुअल और दूसरा है CVT। अब CVT का एडवांटेज ये है कि आपको क्लच नहीं रहेगा एंड ड्राइविंग इज अलॉट मोर इजियर। इनफैक्ट CVT का इसमें एक और एक एडवांटेज ये है कि होंडा ने इसे काफ़ी हद तक फाइन ट्यून किया है और वो जो रबर बैंड इफेक्ट आता था जब आपको सडन पावर का अर्ज है वो इसमें नहीं है, जिस वजह से आपका ड्राइविंग सिटी या हाईवे पे काफ़ी स्मूथ है। जो सेकेंड इंजन है वो है डीजल। यह है 1.5 लीटर इंजन जो 98 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 200 न्यूटन मीटर। ये इस सेगमेंट में सबसे पावरफुल हैचबैक है और ये 6-speed ट्रांसमिशन से मेटेड है। पावर इसका बहुत अच्छा है, चाहे आप सिटी में चलाएं या फिर हाईवे पर। अगर माइलेज की बात की जाए तो जैज पेट्रोल आपको सिटी में 12 से 14 का एवरेज देगी और हाईवे पे आपको 13 से 16 के बीच में माइलेज मिल जाएगा। इसका कंपनी क्लेम माइलेज है 17.8 मैनुअल वर्जन के लिए और ऑटोमेटिक का है 18.1। इसकी माइलेज भी बहुत अच्छी है, हमें सिटी में ऑलमोस्ट 15 टू 17 का माइलेज आता है और हाईवे पे बिटवीन 18 टू 22। इसका कंपनी क्लेम फिगर है 27.3 विच इज एज पर द ARAI साइकिल। अब ये इंजन एल्यूमिनियम की बनाई गई है जिस वजह से इसका वेट कम है। लाइट वेट होने की वजह से इसका परफॉर्मेंस बेटर है और माइलेज भी अच्छी है, मगर एक डाउनसाइड है, ये काफी नॉइजी है। जैज का इंटीरियर सिटी से काफी रिजेंबल करता है, ये ट्रेंडी और प्रीमियम दोनों है। जैज में दो तरह के इंटीरियर्स अवेलेबल होंगे, एक है कंप्लीट ब्लैक जो सिर्फ हायर एंड वेरिएंट्स में मिलेगा और दूसरा है ब्लैक एंड बेज जो लोअर ट्रिम्स में आएगा। जैज का जो टॉप एंड वेरिएंट आएगा उसमें आपको मिलेगा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद रिवर्स पार्किंग कैमरा और AVN ऑडियो वीडियो एंड नेविगेशन। इसमें टच स्क्रीन क्लाइमेट कंट्रोल भी है। जैज की सबसे बड़ी खासियत रही है उसकी स्पेस और फ्लेक्सिबिलिटी। नई जैज में ये और इम्प्रूव की गई है और एक नया फीचर डाला गया है कॉल्ड एज मैजिक सीट्स जो सिर्फ हायर वेरिएंट्स में अवेलेबल होगा। विथ मैजिक सीट्स आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। होंडा ने जैज पे सारे करेक्ट बॉक्सेस पे टिक किया है अभी तक। ये स्टाइलिश और प्रीमियम है, इसके इंटीरियर क्वालिटी भी वन ऑफ द बेस्ट इन इट्स सेगमेंट है, फीचर लिस्ट भी काफ़ी लंबी है।
This is definitely the most spacious and the most fuel efficient in its segment. अब एक सवाल रह जाता है, वो है प्राइस। Honda Jazz की प्राइस अनाउंस करेगी इन जुलाई। If it's priced aggressively, this could be a new segment leader.